दोस्तों, क्या आप भी अपने पेरेंट्स वगैरह के कोई अच्छा सा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, या फिर आप अपने लिए कोई सेकेंडरी डिवाइस परचेस करना चाहते हैं? तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए ऐसे 5 फोन जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देते हैं। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर टॉप 5 बेस्ट फोन अराउंड 6,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी मोड़ी ऊपर नीचे प्राइसिंग हो सकती है, बट ओवरऑल आपको यहाँ पर अच्छी प्राइसिंग मिल जाएगी, अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी और डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत भी नहीं आएगी। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर, सबसे पहले हम बात करते हैं उन यूजर्स की जिन्हें दोस्तों इस बजट के अंदर एक स्टाइलिश लुक चाहिए और साथ ही साथ बढ़िया और बड़ी डिस्प्ले भी चाहिए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6। ये जो फोन है, ये आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ डिजाइन आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, काफी स्टाइलिश है, तो ये अच्छी बात है। वहीं पर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक बड़ी सी HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही NEG का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। 500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट। तो बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 2 कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 8 मेगापिक्सल का और 0.8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर दिया गया है। सेल्फी की बात करें गाइस, तो 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। बजट के हिसाब से कैमरा सेटअप भी अच्छा है और इमेज आउटपुट भी आपको यहाँ पर डे लाइट में अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो आउटपुट की बात कर ले गाइस, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर सिर्फ HD+ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको थोड़ा सा पुराना चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 28nm की फैब्रिकेशन पर आता है और दोस्तों ये चिपसेट है यहाँ पर MediaTek का Helio A22। पर दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है, ये आपको इस बजट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। आपको यहाँ पर डेली टास्क वगैरह में कोई भी इशू नहीं आते। और रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो आप यहाँ पर बबल शूटर या फिर सफेद सर्फर जैसे गेम्स वगैरह भी इजीली खेल सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज भी आपको मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको मिलती है 5000mAh की एक अच्छे साइज की बैटरी, जो कि आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 10W की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। चार्जिंग के लिए माइक्रो USB की पोर्ट दी गई है, तो बैटरी से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पर एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के गो एडिशन पर, तो यहाँ पर आपको ब्लॉटवेयर वगैरह काफी कम मिलते हैं, सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और अच्छी बात ये भी दोस्तों कि इस फोन के अंदर आपको यहाँ पर 2GB तक की एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर अगर 2GB वाला वेरिएंट परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 4GB तक की रैम मिल जाएगी, 64GB की स्टोरेज मिल जाएगी और इसके लिए आपको देने होंगे 6,499 रुपये। तो चलिए बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ दोस्तों, और अगला स्मार्टफोन एक नॉन चाइनीज फोन है और गाइस ये फोन है यहाँ पर माइक्रोमैक्स का N2C। ये जो फोन है, ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी कमाल के दिए गए हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.52 इंचेस की HD+ वाली IPS LCD पैनल, साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है, 420 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और 60Hz की आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट मिल जाती है। तो डिस्प्ले तो आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक VGA सेंसर मिलेगा, साथ ही में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, आउटपुट भी आपको यहाँ पर डे लाइट में अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर HD+ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो ये जो फोन है दोस्तों, ये आपको मिलता है 12nm बेस यूनिसॉक के T610 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 1,84,000 के आसपास स्कोर करता है, जो कि बजट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर है। सो डेली परफॉर्मेंस के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ी सी डिसेंट लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ ही में 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो गाइस, यहाँ पर आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल गार्ड का ऑप्शन और ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, जो कि आपको स्टॉक UI के साथ में मिलता है, तो कोई भी ब्रॉडवेयर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिलते, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, तो वैसे तो ये स्मार्टफोन आपको 7,000 से 8,000 रुपये की प्राइस पर मिलता है, बट अभी आपको ये फोन मिल रहा है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ में 5,999 रुपये की प्राइस पर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ और अगला स्मार्टफोन पहले Redmi 9i Sport की। दोस्तों, ये जो फोन है, ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट इस बजट के अंदर आपको यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है।
साथ ही में फोन के अंदर 6.5 इंच की HD+ की IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। 400 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है और नॉर्मल 60Hz की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। सो डिस्प्ले में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। कैमराज की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 13 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। दोनों ही सेंसर काफी अच्छे हैं, आपको काफी अच्छे आउटपुट निकाल कर देते हैं। वीडियो की बात करें तो आप फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G25 का चिपसेट। दोस्तों ये जो चिपसेट है ये बजट के अंदर आने वाला एक ठीक ठाक लेवल का चिपसेट है, आपको ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस दे देता है। वैसे अगर आप यहाँ पर सबवे सर्फर या फिर बबल शूटर जैसे गेम्स खेलना चाहें तो वो आप यहाँ पर इजीली खेल सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 की स्टोरेज आपको मिल जाती है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो 5000mAh की बैटरी लगी हुई है, 10W की चार्जिंग का सपोर्ट और चार्जिंग के लिए microUSB वाली पोर्ट मिल जाती है। सो देखा जाए तो बैटरी मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 10 पर सॉफ्टवेयर वाइज आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। तो बजट के अंदर देखेंगे तो रेडमी की तरफ से ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 7,099 रुपये। जी हाँ दोस्तों, जानता हूँ थोड़ा सा महंगा है लेकिन आपको अच्छी परफॉर्मेंस और काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में मिलता है। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। और दोस्तों लिस्ट का जो हमारा अगला फोन है ये इस बजट के अंदर आने वाला एक काफी अच्छा ऑलराउंडर पैकेज है। जी हाँ दोस्तों, ये फोन यहाँ पर पोको का C31। देखा जाए तो ये फोन थोड़ा सा पुराना है पर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वाइज काफी अच्छा मिल जाता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। और बात करें डिस्प्ले की तो फोन के अंदर 6.53 इंचेस की HD+ की IPS LCD पैनल लगी हुई है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है और अप टू 450 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। साथ ही में 60Hz की रिफ्रेश रेट भी आपको मिलेगी। सो डिस्प्ले बजट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। सो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है। वीडियो की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। साथ ही परफॉर्मेंस की बात कर लें तो यहाँ पर आपको MediaTek का Helio G35 वाला चिपसेट मिल जाता है जो कि 12nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, बट आपको इस बजट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है डेली टास्क और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर डिसेंट गेमिंग करना चाहें तो उसमें आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। साथ ही LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे दोस्तों और जैसा कि मैंने कहा ये फोन थोड़ा सा पुराना है तो ये फोन आता है एंड्रॉइड 10 पर आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है तो उसमें भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। सो अगर आप यहाँ पर इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर लेते हैं प्राइसिंग की तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 6,499 रुपये। वहीं पर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 7,499 रुपये। तो दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। दोस्तों ये फोन आपको इस बजट के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, ये फोन है यहाँ पर Realme का C30। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये फोन भी आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है, डिजाइन भी काफी यूनिक मिलता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की आपको यहाँ पर HD+ की IPS LCD पैनल मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 400 नीट्स की ब्राइटनेस, 60Hz की रिफ्रेश रेट और 120Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अंदर आपको यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी दी गई है। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 8 और सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। डे लाइट में आपको यहाँ पर ठीक ठाक आउटपुट भी मिल जाते हैं, वैसे काफ़ी सारे कैमरा मोड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये भी अच्छी बात है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS और फ्रंट से आप यहाँ पर HD+ की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है यूनिसॉक का T612 का चिपसेट। हालांकि 12nm की फैब्रिकेशन पर आता है लेकिन इस बजट के अंदर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। डेली टास्क में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती है और आप यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर पाते हैं। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज आपको मिल जाता है जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। सो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आती। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 10W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए microUSB की पोर्ट लगी हुई है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है लेकिन 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और दोस्तों ये फोन एंड्रॉइड 11 के Realme UI Go एडिशन पर आपको मिल जाता है। सो देखा जाए तो सॉफ्टवेयर भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है, सॉफ्टवेयर से भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती।
बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों। तो नॉर्मली ये जो स्मार्टफोन है ये आपको मिलता है लगभग 7,500 रुपए की प्राइस पर अभी आपको 2GB रैम 32GB स्टोरेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,749 रुपए पे करने पड़ेंगे और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा फोन है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे वो टॉप 5 बेस्ट फोन जो कि आपको इस समय मिल रहे हैं लगभग 6,000 से 6,500 रुपए की बजट के अंदर। सो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप रियलमी के C30 के साथ में जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑलराउंडर टाइप के स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर पोको के C31 या फिर रेडमी के 9i स्पोर्ट की तरफ भी देख सकते हैं। और भाई अगर आप यहाँ पर कोई नॉन चाइनीज फोन में इंटरेस्टेड है तो आप माइक्रोमैक्स N2C की तरफ जा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कोई स्टाइलिश लुक के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स का स्मार्ट 6। और हाँ दोस्तों वैसे हमने सभी के बेस्ट बाय लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर से दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।